अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम माया के अंदर जो टेक्सचरिंग का जो है वो हमारा पोर्शन कंप्लीट करते हैं। आप सबको पता है कैरेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो यहाँ से मैं लेकर आया था आपको माया में ये कैरेक्टर हमारा जो हमने कम्प्लीट कर लिया था, ठीक है। और अब इसकी टेक्सचरिंग वगैरह हम देख लेते हैं, डिटेलिंग भी चाहे ऐड करें, डिटेलिंग भी हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है वो इसके ट्राउजर्स कह लें या जो भी आप सोचते हैं, पहले तो मैं लाइनें इनके ऑन कर देता हूँ। लाइनें ऑन करने के लिए आपको यहाँ लेना है वायर फ्रेम ऑन शेडेड, ठीक है। इसी जगह पर आपको मिल जाएगा ये रहा वायर फ्रेम ऑन शेडेड, तो आपको इस तरह लाइनें नजर आएंगी। और वन प्रेस करता हूँ ताकि रिजिड मोड में आ जाइए, ऑब्जेक्ट जो हमारा रिजिड मोड में आ जाए। सिलेक्ट करने के बाद वन दबा दिया मैंने, और अब इसके पॉलीगॉन सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से फेसेस, और सारे फेसेस ले लिए हमने, ठीक है, आगे पीछे। और कंट्रोल राइट क्लिक किया मैंने तो ले लिया ग्रो सिलेक्शन, ठीक है। और जो रैंक है ना उसको हम शिफ्ट दबा के इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें ऐड, एक दफा और कोशिश करते हैं यहाँ से, ठीक है। कुछ पॉलीगॉन आप देख रहे हैं कि जो रह गए मैन्युअली इनको करना पड़ेगा, इक्का दुक्का कुछ रह गए, और जैसे ये भी है यहाँ पर भी सेम वैसे ही, और ये नीचे वाले पॉलीगॉन्स हैं। चलो इनको मैं अभी फिलहाल रहने देता हूँ, और यहाँ से मैं थ्री प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये हिस्सा है जो जिस पर हमें टेक्सचर लगाना है, जो रह गए थे, ठीक है, इनको स्मूथ करने के बाद चूंकि स्ट्रेच हुए तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। एक यहाँ भी है, ये अच्छा हुआ देख लिया हमने, और इन पॉलीगॉन्स को भी सिलेक्ट कर लिया। स्ट्रेच करने के बाद आसान हो गया क्योंकि वो अंदर अंदर थे सारे, जब आपने स्मूथ लगा स्मूथ ऑन कर दिया स्मूथ मोड तो इजी हो गया आपको उनको सिलेक्ट करके टेक्सचर करने। तो ये हमने इस तरह कर लिया सिलेक्ट, तकरीबन सारे हो गए, और ट्राउज़र के तकरीबन सारे जो है वो हमने पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस पर कलर में लगा रहा हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मुझे और चमकीला नहीं चाहिए, लैम्बर्ड टाइप चाहिए, थोड़ा सा ब्लेंड भी इस पर हेल्पफुल हो सकता है। लैम्बर्ड अगर ले लें तो भी सही है क्योंकि चमकीला नहीं चाहिए मुझे, लैम्बर्ड लिया मैंने। और कलर्स को दे देता हूँ जीन्स की तरह का कोई कलर, तो यहाँ पर मैं आ गया इसके, यहाँ पर आप आ जाए बिल्कुल लास्ट में, लास्ट में जब ये सारे पॉलीगॉन्स हट जाएंगे तो आपका टेक्सचर का जो वो मटीरियल, ये लैम्बर्ट थर्टीन के नाम से, जिसका नाम मैं कर देता हूँ जीन्स कर देता हूँ नाम, अब मैं याद रहे कौन सा मटेरियल है ये। और यहाँ कलर मैं दे देता हूँ इसको जीन्स की तरह का एक कलर, ठीक है, कुछ इस किस्म का। ओके, डन हो गया, ठीक है। और ये कलर आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको अगर आप एक पॉलीगॉन को भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, कलर चेंज होगा थोड़ा सा लाइट वर्जन, ओके, तमाम पे कलर सही हो गया। अच्छा, अब जो है इसके जो बॉडी है उसके ऊपर हमने कलर देना है, यानी जो कलर है उसके अंदर कुछ हम चेंजेस करते हैं। जैसे कि ये पीछे जो सिलेंडर है उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपने दो पॉलीगॉन पकड़ लिए यहाँ से, और कंट्रोल राइट क्लिक करके क्या ग्रो सिलेक्शन, और यहाँ जब आप जी प्रेस करेंगे रिपीट लास्ट एक्शन, ये सिलेक्ट होते चले जाएंगे। ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया है, और इन एरियाज को भी हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। इन एरियाज को भी शामिल कर लिया हमने, और इसको एक मोटी एक कलर उसको दे देते हैं, राइट क्लिक किया असाइन न्यू मटेरियल, ये मेटालिक होगा तो मेटालिक के लिए हम यहाँ से दे देते हैं माया में आके, माया में आता हूँ और यहाँ से हम इसको एक चमकीला सा फोम का मटेरियल दे रहा हूँ, ठीक है, फोम में। और इसका नाम मैं रख देता हूँ, चले यहाँ से मेरी नाक बहना शुरू हो गई
चलिए ठीक है, यहाँ से मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर्म की जगह क्या कहते हैं सिलेंडर कर देता हूँ, याद रहे सिलेंडर, सिलेंडर का मटेरियल है। ठीक है डन हो गया। और कलर हम उसको दे देते हैं यहाँ से बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा रेड कलर, इस पर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, रेड का डार्क शेड और सा डार्क शेड। ठीक है ये लिया हमने और बार क्लिक कर रहे हैं। ठीक है इसके पीछे बैक पे ये कलर आ गया। अच्छा अब बॉडी पे खास तौर पे बेल्ट के ऊपर, अगर बेल्ट के मैं ये दो पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और अगर बैक साइड पर भी मैं ये दो पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लूँ तो क्या होगा कि जब मैं इसको कंट्रोल दबा कर राइट क्लिक करके ग्रो सिलेक्शन करूँगा तो ये इस तरह से पूरा सिलेक्ट होगा। जी प्रेस करें रिपीट लास्ट एक्शन, अब ये ज़्यादा हो गया। ठीक है तो एक काम करें ऊपर का आप कंट्रोल दबा के निकाल दें इसको, माइनस करके माइनस हो गया, नीचे का भी कंट्रोल दबा के आपने माइनस कर देना है। आ रहा है समझ में? अब जो फालतू के एक्स्ट्रा रह गए जैसे कि ये है, इनको मैन्युअली हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बक्कल को छोड़ के, बक्कल पे हमें कलर नहीं देना, वैसे अगर आ भी गया तो हम उसको हटा देंगे, हमें सिर्फ बक्कल का थोड़ा मेटालिक ग्रे शेड लेंगे उसके ऊपर। ठीक है अच्छा अभी अगर मैं ग्रो करवाता हूँ यानी कि जी प्रेस करता हूँ रिपीट लास्ट एक्शन, ग्रो तो हो गया और से सही का पकड़ लिया, लेकिन यहाँ भी इसने पकड़ लिया है पॉलीगॉन्स को, कंट्रोल दबा के इसको भी आप आउट कर दें यानी निकाले सिलेक्शन, हो गया बेस्ट। ठीक है अच्छा ये ऊपर वाले जो फालतू के आ गए इनको भी हटा देते हैं, ये 6-7 हैं इनको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। नीचे भी आप देख रहे हैं कि कुछ पॉलीगॉन्स सिलेक्ट हुए हैं, उनको भी निकाल लेंगे। तो बेल्ट पे ब्लैक कलर का हमने ऑलरेडी मटेरियल बनाया हुआ आपको याद होगा, तो वही हम यहाँ पे लगा देंगे। इसको कंट्रोल दबा के ये सारे पॉलीगॉन्स ऑफ किए, ठीक है डन हो गया। और ओके यहाँ शिफ्ट दबा के ये दो पॉलीगॉन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, ठीक है असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इसमें हमें ब्लैक वाले जो लगाया था वो लगाया था शू लेदर, ठीक है ब्लैक मटेरियल आ गया। और ये जो बक्कल है इसका, उसके लिए कंट्रोल राइट क्लिक किया ग्रो सिलेक्शन, जब तक इसका बक्कल पूरा सिलेक्ट नहीं होता जी प्रेस किया रिपीट लास्ट सेक्शन, जी प्रेस किया रिपीट लास्ट सेक्शन और कंट्रोल राइट क्लिक किया श्रिंक सिलेक्शन, एक सिलेक्शन ने श्रिंक किया और इसके ऊपर मेटालिक शेड लगाना है। और हमने अभी तक कहीं बॉडी में कोई मेटालिक शेड नहीं दिया ना अभी तक, नहीं तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और असाइन न्यू मटेरियल, माया में आ गया। माया में आके यहाँ से मैं ले लेता हूँ फॉर्म और लोड नहीं हुआ, अब लाऊंगा लोड हुआ, ये इसका नाम मैं रख देगा मेटल, कलर थोड़ा सा डार्क ग्रे में जाएगा यानी कि ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है और रिफ्लेक्टिविटी वगैरह देख लेते हैं इसकी, ये आ गया और यहाँ देखिए रिफ्लेक्शन आ रहा है आपके पास, नीचे कहीं आ रहा है कोसाइन पावर, तो इसकी जो शाइननेस है वो बढ़ाएगा, ज़्यादा हो गया स्पेक्युलर कलर और रिफ्लेक्टिविटी ये 0.5 है, इसको मैं कर देता हूँ 2, ये बहुत ही रिफ्लेक्टिव हो जाएगा जब रेंडर होगा। और ये मटेरियल इसका बन गया था मेटालिक शेड में, ठीक है अच्छा यहाँ पर ये कुछ पॉलीगॉन रह गए, अगर इनको रहने दिया तो बुरा लगेगा। तो ये जो 4-5 पॉलीगॉन्स हैं ठीक है इन पर ब्लैक लेदर वाला मटेरियल आ जाएगा, राइट क्लिक करके असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल और ब्लैक शू लेदर, हो गया उसका सेट हो गया। ग्लव्स के लिए भी यही करना है हमें, यहाँ से इसके पॉलीगॉन यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए, ठीक है और यहाँ भी इसी तरीके से शिफ्ट दबा के यहाँ के भी सारे पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लें आप, एक दफ़ा इत्मीनान कर लेंगे कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और
कंट्रोल राइट क्लिक करके ग्रो सिलेक्शन, जी दबाया रिपीट लास्ट एक्शन, कंट्रोल राइट क्लिक किया श्रिंक सिलेक्शन, ठीक है श्रिंक कर दिया इसको, और यहाँ भी हमारा ब्लैक मटेरियल आ जाएगा राइट क्लिक करके, असाइन एग्जिस्टिंग लेदर, ठीक है। इसके बैजेस जो है उस पर भी इसी तरीके से कंट्रोल राइट क्लिक किया ग्रो सिलेक्शन, जी प्रेस किया रिपीट लास्ट एक्शन, और ठीक है कि नहीं कर। अच्छा अब यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है इसके ऊपर आप कोई और दूसरा मटेरियल दे दें, जैसे कि राइट क्लिक किया एग्जिस्टिंग मटेरियल, और इसके अंदर हम दे देते हैं सिलेंडर का कलर, चूँकि ऑलरेडी रेड है, ठीक है तो यहाँ पर मैं जीन्स का ही कलर दे देता हूँ, बाकी इसके इसको क्या बोलते हैं ईयर पीस, ईयर पीस बोल रहे इसको आप, हैवी हो रहा है, और ये वाला भी दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो ऑटो सेव पे है ना, मगर सही कह रहा हूँ, नहीं हुआ तो कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव हो चुका है, कंट्रोल राइट क्लिक ग्रो सिलेक्शन, जी प्रेस किया रिपीट लास्ट एक्शन, जी प्रेस किया रिपीट लास्ट एक्शन, जी प्रेस किया रिपीट लास्ट एक्शन, जी जी कंट्रोल राइट क्लिक श्रिंक सिलेक्शन, एक सिलेक्शन श्रिंक कर दिया मैंने, ठीक है राइट क्लिक करके यहाँ से हमने लिया असाइन एग्जिस्टिंग में, यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है यही कर सकते मेरे से आज, ठीक है अगली क्लास में हम इसकी जो हड्डियाँ वगैरह लगाना शुरू कर देंगे, टेक्सचरिंग ऑलमोस्ट 95% डन है, तो कंट्रोल एस करता हूँ उसको, ठीक है और अगली क्लास में इसकी हड्डियाँ वड्डियाँ जो हमारा जो रिगिंग का चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे, तो उम्मीद अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो स्क्राइब किया, आज वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है मज़ीद 5 और आएंगी, 5 ऑलरेडी आई, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैंने 5 और बना दी उसकी, जो कि इंशाल्लाह आज रात तक अपलोड हो जाएंगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, वीडियो सब्सक्राइब 10 वीडियोस, ठीक है तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।